दोस्तों, निवेश जब हम सब लोग करते हैं, फिर चाहे वो निवेश हो शेयर बाजार में, फिक्स डिपॉजिट में, सोने में, गोल्ड, या तो फिर रियल एस्टेट में, हमें बहुत सी बार जानना होता है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है उस पे मुझे कितने रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि मुझे कितने रिटर्न मिले हैं, ये जानने के लिए दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो दोस्तों, मैंने सीधा निवेश किया, चलो 10 लाख रुपया मैंने लगाया 2013 में, और आज 2023 चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ रिटर्न कितने हैं। तो बड़ा सिंपल है, पर यही चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम 2013 में तो चलो पैसा लगाया, पर 2014, 15, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते जाते हो, कभी कभार जरूर होने पे पैसा निकालते भी रहते हो। तो ये जब कैश फ्लो इन हो, कैश फ्लो आउट हो, तो हम कैसे रिटर्न गिने, ये थोड़ा चैलेंज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे। मैं इसे प्रैक्टिकल क्यों कहूंगा, प्रैक्टिकल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार निवेश किया ना, 10 साल बाद चेक करोगे कितना रिटर्न हुआ भाई मेरा। आप में से ज्यादातर लोग वैल्यू बायर यानी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा और लगाते हो, जब कभी वैल्यूएशन हाई होते हैं आप थोड़े निकालते भी होते। तो ये सिनेरियो को भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जब कैश इन करूं, मैं जब कैश आउट करूं, तो मेरे रिटर्न कितने रहते हैं, राइट। तो आज हम ये दोनों सिनेरियो को कंपेयर करके देखेंगे और जानेंगे चलो कैसे रिटर्न गिने जाए। रेडी? चलो दोस्तों, ये दोनों ही प्रकार से जब हम रिटर्न गिने तो ये तरीके बिल्कुल अलग हुए। देखो, एक तरीका होता है XIRR, क्या होता है मैं बता देता हूं थोड़ी देर बाद, पर इसका उपयोग तब होता है जब मैं रेगुलर बेस पे पैसे डालूं या निकालूं। अब नॉर्मल देखो, सबसे पहला ये CAGR वाला जो फॉर्मूला आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है। सिंपल पहले समझे, कॉम्प्लिकेटेड बाद में पता चलेगा। तो सिंपल क्या है दोस्तों, TAGR निकलना यानी रिटर्न निकलना, मेरे को कितना रिटर्न मिला। फर्ज कीजिए 2017 में मैंने ₹1 लाख लगाए, मुझे 15% चाहिए थे, मैं सोचता था 15% रिटर्न मिलने चाहिए अपने। फिर दोस्तों 2023 आ गया, अब 6 साल बीत गए, आज वो लाख की वैल्यू ₹2,10,000 है। तो अब मैं अगर रिटर्न गिनूंगा तो कैसे गिनूंगा दोस्तों, इसे कहते हैं CAGR तरीका। तो CAGR क्या है दोस्तों, इट इज ऑफन यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रोजेक्ट देयर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न, राइट। ये आपके रिटर्न जानने के लिए काम लगता है ताकि हम फ्यूचर के रिटर्न भी देख पाए, अंदाजा लगा पाए, राइट। अब हाल है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि पास्ट में 15 मिले तो आगने वाले 5 साल 15 मिलेंगे, या पिछले 5 साल पूरे गए तो आने वाले 5 साल पूरे, ऐसा होता नहीं है। पर रिटर्न जानने के लिए, जैसे ये मैंने CAGR यहाँ पे डाला है, मैंने डेट्स का कॉलम डाल दिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे अनुमान लगाया है कि 2017 में लाख लगाए, बाद में कोई निवेश नहीं किया। फिर आ गया 2023, मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डाला 15, राइट। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला कौन सी डाली, वही पुरानी किसी पिटी जो आप लोग ऑलरेडी यूज करते हो, राइट। मैं यहाँ करता हूं और एक बार ताकि आप लोगों को पता चले, इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है इधर, एंडिंग वैल्यू मतलब अभी कितना वैल्यू है, डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू रेस टू 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड -1। तो देखो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, मेरा वैल्यू है 2,10,000 डिवाइड बाय मेरा वैल्यू है ₹1,00,000 ब्रैकेट, ओ सॉरी, या ब्रैकेट क्लोज हाइफन ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइड बाय कितने साल हुए, तो देखो यहाँ गिने हुए 6 ईयर डिवाइड बाय 6 -1, राइट। कितना रिटर्न हुआ देखो दोस्तों, 13.2 यानी 13% रिटर्न दोस्तों मुझे यहाँ पे मिले। अब ऊपर यही तो गिना हुआ है 13.2%, तो मुझे उम्मीद थी 15% की, लेकिन ये तो 13% के रिटर्न मिले। चलो सेड आ गया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है, 15 के ऊपर जाए तो हैप्पी, 15 के नीचे जाए तो सेड, बराबर है। चलो ये तो नॉर्मल है, पर अब क्या जब मैंने SIP किया है, मैंने कंटिन्यू हर साल माल लेता क्या, तो कैसे गिनने का। तो उसके लिए दोस्तों आता है XIRR फॉर्मूला। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि तो कुछ क्वेरीज आई थी, जैसे अहमदाबाद से संजय देसाई की क्वेरी थी कि भाई XIR उन्होंने जो गुना,
कैलकुलेट किया, उसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा था, तो चलो हम लोग उनका भी डेटा लेके देखेंगे और प्रॉपर वे में सीखते हैं व्हाट इज XIRR। तो XIRR कैसे काम लगता है दोस्त, कैलकुलेट्स द इंटरनल IRR, इंटरनल रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड थियरीज ऑफ पोटेंशियली इररेगुलरली स्पेस्ड कैश फ्लो। मतलब कोई सीरीज पूरी है, मैंने अलग अलग समय पे पैसा डाला या निकाला तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, इज इक्वल टू करके करने का, देखो लिखेंगे ना इज इक्वल टू XIRR, मैं क्लिक करता हूं आ गया फॉर्मूले, इतना एक्सप्लेनेशन जो मैं समझा रहा हूँ वो इधर भी तो दिया हुआ है राइट। चलो अब इसको यहां से हटा देता हूं। फॉर्मूला क्या कहता है, कैश फ्लो अमाउंट, मतलब मेरे को ये पूरी कैश फ्लो अमाउंट की रेंज सिलेक्ट करनी है, कॉमा कैश फ्लो डेट्स, मैंने यहाँ पे डेट्स डाली हुई है, ये डेट्स की पूरी रेंज लेनी है राइट, कॉमा रेट गेस। अब ये आप नहीं करोगे तो भी दिक्कत की बात नहीं है, कॉमा करके एंटर कर दो। देखो मैं यहाँ पे किया, मैंने कितना टका रिटर्न आया, देखो मैंने क्या किया 2017 में 1 लाख रुपया लगाया, सो जो मैंने इन्वेस्ट किया उसको मैंने नेगेटिव डाला है। 2018 में मैंने 40,000 निकाल दिया, यार पैसे की जरूरत थी, 40,000 वॉज आउट। 19 में दूसरा 20,000 निकल गया, 21 में 20 में कुछ नहीं किया, 21 में 23,000 निकला, 24 में दूसरा 20,000 निकला, और अभी 23 में अभी मैं निकालू तो 50,000 मेरे को और निकलेगा। तो 1 लाख डाला, इतना वैल्यू निकालने के बाद भी 50,000 पड़ा है, आज निकालूंगा तो 50,000 आउट हो जाएगा राइट। तो इसका मैंने वैल्यू कैसे गिना, देखो कितना टका रिटर्न आया, 13%। देखो कैसे किया, इज इक्वल टू XIRR, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं ये पूरी रेंज ले रहा हूं, कैश फ्लो की रेंज बराबर ना, देखो यहां लिखा हुआ है कैश फ्लो अमाउंट की रेंज, कॉमा डेट्स की रेंज, एंटर, हो गया 13%। तो ये डेटा के हिसाब से मैंने 1 लाख डाला, आज मेरा 50,000 वैल्यू है, पर मेरे को 13%, 13% रिटर्न मिले है, क्यों, क्योंकि मैंने आउटफ्लो कैश फ्लो आउटफ्लो किया हुआ, तो मेरे को चाहिए कितना था, 15, मिला कितना, 13, सैड बराबर है। चलो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं अपन राइट, कैसे करेंगे देखो, इधर अभी मैंने यही फॉर्मूला को थोड़ा अलग प्रकार से लिया हुआ है, मैंने कुछ फिगर्स यहाँ पे बदल दिए राइट। देखो कैसे किया है, 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, फिर मैं SIP करता चला गया, मेरे को पैसे की जरूरत, 2018 में 25,000 डाला, 19 में और 25, 21 में 20 में कुछ नहीं किया, 21 में और 25, 22 में और 25। अब आज मेरी वैल्यू 50,000 नहीं है, आज मेरी वैल्यू 3.5 लाख रुपया है, 3.55, 3,55,000। चलो गिनते XIRR, क्या क्या बदला, देखो डेट सेम है पर आपकी कैश फ्लो की रेंज बदल गई। अब मैंने यहाँ पे सेम फॉर्मूला डाली हुई है, यू कैन चेक इट, है ना, कितना रिटर्न, 13%। तो एक केस में 1 लाख डाला, 50,000 वैल्यू है, 13% रिटर्न, क्यों, तुमने पैसे जो निकाले। इधर आपने 1 लाख डाले, अभी 3.5 लाख वैल्यू है, क्यों, क्योंकि तुमने और पैसे ऐड भी तो करते ही चले गए राइट। तो आपको XIRR जब आप यूज करते हो, आप सीरीज को भी रिटर्न गिन सकते हो, क्लियर है। अब जरा मैं यहाँ पे आ जाता हूं संजय भाई देसाई के डेटा, उन्होंने मेरे को एक डेटा भेजा कि पीयूष भाई यार गड़बड़ हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने सही किया है कि गलत किया है। अब देखो उन्होंने क्या किया था, बोलो उन्होंने क्या किया, ये जो डेट है सबसे पहले, देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है, पुरानी डेट पहले आएगी है ना, फिर लाइन टू लाइन लेने का, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये डेट ऊपर नीचे, तो फिर आपका कैलकुलेशन भी ऊपर नीचे हो जाएगा राइट। तो देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने आपका डेटा लिया संजय भाई, 16 सितंबर 2022 को उन्होंने HDFC बैंक लिए, 3182 शेयर थे, मेरे को लगता है ये दो शेयर होंगे राइट, जस्ट फॉर टेस्ट। 2022 28 सितंबर 2022 यानी 13-14 दिन बाद और 2-3 शेयर लिए, मतलब 4767 की वैल्यू के शेयर लिए, तो माइनस माइनस मतलब उन्होंने इन्वेस्ट करते चले। 2023 में 6955 के और शेयर लिए राइट, और 2023 में और 7435 के शेयर, तो उन्होंने 1 2 3 4 1 2 3 4 बार शेयर लिए, टोटल 22,340 रुपए के शेयर खरीदे राइट।
तो ये जो उन्होंने शेयर खरीदे अभी वो अगर आज बेचे तो ये शेयर की टोटल कंबाइंड वैल्यू होती है 24 to 29, बराबर है। तो ये तो अभी उन्होंने 2022 यानी 4 कितने 6 7 महीने पहले शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, और अभी वो रिटर्न देख रहे। तो ये रिटर्न वैसे नहीं देखने चाहिए अपने को कि इतने समय में होगा क्या, पर फिर भी देखो जब आपने रिटर्न निकाले सेम XIRR फॉर्मूला, HDFC ने आपको आपने अभी रिटर्न थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू किया, अभी 35% अप आपका है, आपके प्राइस आपके रिटर्न कितने हुए 35%। नाउ सिमिलर एग्जाम्पल, राइट, सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा भी एक, उन्होंने और एक शेयर दिया था और वो था उनकी गिनती हो रही थी एफएल में, राइट, यहाँ पे भी सेम SIP, सितंबर 2022 में 3,000 रुपए के एफएल लिए, फिर 5.5, फिर 6.5, फिर 6.5, ये चारों का टोटल करे तो उन्होंने 21,000 के शेयर लिए, अभी उसकी वैल्यू 18,153 रुपया है, राइट। तो ये बताता है कि 43% उनको XIRR मतलब उनके जो रिटर्न है 43% डाउन हुए, राइट। तो देखो HDFC में वो हैप्पी है 35% रिटर्न, एफएल में वो सैड है 43% रिटर्न, बराबर है। अभी पास्ट रिटर्न फ्यूचर एस्टिमेट से कोई मेल नहीं खाएगा, जरूरी नहीं है जो नेगेटिव हो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव हो पॉजिटिव रहेगा, डिपेंड करेगा बाजार के ऊपर, बट दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट योर SIX, वी कैन यूज XIRR, राइट। अब नीचे मैंने और एक एग्जांपल दिया, देखो आपने जो एग्जांपल लिया ना अभी ये 6 7 महीने में क्या पता चलेगा। तो मैंने इधर क्या किया, एक प्रॉपर वे में HDFC बैंक का पूरा डेटा लिया। नाउ सी सेम HDFC बैंक इफ द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन इज द पर्सन डूइंग SIP इन HDFC बैंक। देखो मैं भी परसों से ये सब कंपनियों में SIP कर रहा हूँ, अपने पास ऐसा कोई थैला भर भर के थोड़ी ना पैसा था कि सीधा करोड़ों रुपया डाल दिया, राइट। परसों से जैसे जैसे कमाते जा रहे थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाते जा रहे शेयर बाजार में, तो अभी हम इसी प्रकार से जो आप देख रहे हो ना इधर, इसी प्रकार से हमने भी SIP किया है आपकी अलग अलग कंपनियों में परसों से। तो ये एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है HDFC बैंक का, अगेन आप देख लेना 2013 में आपने 10 शेयर खरीदे, राइट, HDFC बैंक के, 2014 में आपकी डिसिप्लिन है यू बाय 10 शेयर्स एवरी टाइम, तो 17 18 19, अब 19 में क्या था इन्होंने बोनस दिया था 1 पे 2, राइट, 1 पे 1, तो क्या हुआ आप 10 के बदले 20 लेने लगे कि अभी तो वो शेयर की वैल्यू आधा हो गई, राइट। तो ऐसा करते करते आपने शेयर इकट्ठा किए, हर महीने का आपका डिसिप्लिन किया 10 शेयर लेने, राइट। अब ये केस में आज वैल्यू कितना हो रहा है, देखो आपका कैश फ्लो कितना हुआ, आपने टोटल 96,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है पिछले 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके, बराबर, आज उसकी वैल्यू 1,73,000 है, 1,73,000, तो आपका रिटर्न कितना हुआ दोस्तों, असल में ये 15% रिटर्न हुआ, हुआ कि नहीं। अब 15% कगार से आपके पैसे बढ़े, आपने जो थोड़ी थोड़ी करके ऐसे की वहां पे, पर ये रिटर्न अगर आप सही में कैश फ्लो देख रहे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपको आपकी कंपनी ने साथ में डिविडेंड भी दिए है, वो आपके बैंक में कैश फ्लो आया कि नहीं आया, तो वो भी तो पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ। तो देखो दिस इज प्योर कंप्लीट एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। मैंने क्या किया इधर, मैंने जब यहाँ पे 10 शेयर लिए 3,100 रुपए के, तो उस साल मुझे 28 रुपया डिविडेंड आया, मैंने वो 28 रुपया भी इधर डाल दिया, मेरे बैंक में कैश फ्लो आया दैट इज पॉजिटिव, मेरे बैंक से जो निकला दैट इज नेगेटिव, करेक्ट। तो ये हर साल डिविडेंड मिलते मिलते, राइट, अब ये डिविडेंड मेरे बैंक में आ चुका है, मेरे 1,73,000 चलो मेरी वैल्यू है, राइट। तो अभी ये इन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जब आप गिनती करोगे, देखो XIR कितना आया 15.8, तो असल में आप देख रहे हो 15% रिटर्न, पर आपको 15 नहीं मिले, आपको 15.8% रिटर्न आ गया है, क्योंकि आपके बैंक में भी तो पैसा जमा होता जा रहा है, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर XIRR, दोनों तरीके ध्यान में रखो, एक लमसम वाला जो हमने कगार का देखा पहले, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप में से कोई, मुझे नहीं लगता है कि एक बार 1 करोड़ डाल दिए ना फिर मैं सो गया, होगा नहीं ऐसा, आने वाले समय में कई बार आप और पैसा डालोगे, वैल्यू बाइंग करोगे, जब बाजार गिरा हुआ होगा, जब बाजार चलेगा तो आप बोलोगे चलो थोड़ा पार्टी करते हैं, थोड़ा निकालते हैं पैसा, ये तो होगा ही ना। तो प्रैक्टिकल वे में जब आप गिनोगे XIRR इज अ बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट योर रिटर्न। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मैं XIR समझाने में, सरलता से समझाने में सफल
हुआ होगा, राइट? अगर आप लोग इसी प्रकार के अपडेट चाहते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो चैनल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी। जय हिंद।